सर्विस का यूट्यूब चैनल, जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग DHA पिशावर, DHA लाहौर, DHA मुल्तान और ओवरऑल जितने भी DHA के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब की अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। तो इसी तरह हम लोग आज DHA फेज़ 9 टाउन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि DHA फेज़ 9 टाउन को क्यों इतना रिकमेंड किया जा रहा है, क्यों वहाँ पर इतनी ज़्यादा सेल परचेज हो रही है। तो इसके बारे में हम लोग 3-4 क्वेश्चन अदनान साहब से करते हैं। जी अदनान साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, जैसा कि अदनान जी आपने देखा होगा कि फेज़ 9 टाउन के अंदर अभी बड़ी स्पीड से वहाँ पे सेल परचेज हो रही है, वहाँ पे इन्वेस्टर हजरात का रुझान बहुत ज़्यादा हो गया। मैं जितनी बार भी वहाँ से गुजरता हूँ अक्सर वहाँ पे चक्कर लगता है, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे नए से नए घर बन रहे हैं और मार्केट के अंदर भी इस टाइम उसका बायर भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे सेलर भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, इतनी इसकी मार्केट क्यों ऊपर चली गई है? दानियाल, पहले तो आपको ना टाउन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो हम ऑन ग्राउंड गए थे बी ब्लॉक के पार्क में बैठ के हमने वो वीडियो बनाई थी, मैं उस वीडियो का हवाला देता हूँ कि अगर हम DHA 9 टाउन की सराउंडिंग में देखते हैं कि इसकी सराउंडिंग में क्या रेट चल रहा है, फेस 6 आ जाता है इसके फ्रंट पे, एक साइड पे अस्क्री 11 आ जाता है, इसके बैक पे सी ब्लॉक और डी ब्लॉक की बैक पे 9 प्रिज्म आ जाता है। डी ब्लॉक को मैं हर दफ़ा इसके साथ कंपेयर करता हूँ, वजह यह है कि जिन लोगों ने फेज 6 के डी ब्लॉक में 5 मरला लेना है 95 में वो जाते हैं बाउंड्री पे चले जाते हैं। अच्छा प्लॉट, बहुत अच्छा प्लॉट, वहाँ पे क्या कंसिडर किया जाता है? ये 70 फिट रोड, फेज 6 का 70 फिट रोड है। अगर वहाँ पे आएंगे 125-30 मांगते हैं, 1 करोड़ 25 या 30 लाख रुपए में आपको डील मिलती है। अब आप यहाँ पे सीधा डी से निकल के मेन बुलेवार्ड पे आते हैं और आपने बेदियाँ रोड क्रॉस की और साथ ही टाउन में आ गए। टाउन में एंटर होके आप अच्छा ब्लॉक आप चूज करें, सी ब्लॉक में चले जाएं, ए ब्लॉक में चले जाएं, बहुत अच्छा ब्लॉक है यहाँ पे। अब अंदर पार्क भी है, कमर्शियल भी है, मस्जिद भी है, सेक्टर शॉप्स भी हैं, पीछे इसके बाउंड्री कोई नहीं है, अस्करी 11 है सारा। अब यहाँ पे देखें तो कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से हो रही है, ए में भी, बी में भी, सी में भी। अब भी पहले कंस्ट्रक्शन हो रही है ए और सी में ज़्यादा हो रही है, उसके बाद बी है, एंड पे डी ब्लॉक चला जाता है। अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर बाउंड्री पे आप चले जाएं, आपको 65 का प्लॉट मिल जाता है। फिर 6 के डी ब्लॉक में वही बाउंड्री का प्लॉट जो लिदर पेंट बाउंड्री के साथ है, वहाँ पर आपको 90-95 का प्लॉट मिलता है। ठीक है, अब आप पार्क के पास आ जाएं, सी ब्लॉक में पार्क के नज़दीक आ जाएं, उसकी सराउंडिंग में आ जाएं, बी ब्लॉक की सराउंडिंग में आ जाएं, या ए ब्लॉक में जो पार्क है उसकी सराउंडिंग में आ जाएं, वहाँ पे आपको 90-95 मैक्सिमम मिलेगा। उसमें एक कॉर्नर भी शामिल होगा, आपका फेसिंग पार्क भी होगा। फ्यूचर में ये यही वाला प्लॉट जो है कॉर्नर और फेसिंग पार्क जो है ये आपका 1 करोड़ 30-40 लाख का होगा, जिस टाइम 9 प्रिज्म को आप पोजेशन मिल रहा होगा। प्रिज्म को पोजेशन मिलेगा, डी ब्लॉक के साथ लिंक करेंगे, फेस 6 के डी ब्लॉक के साथ टाउन लिंक होगा। ये इसी तरह आप प्रिज्म में जब जाएंगे सर्वे के लिए या अपना प्लॉट प्रिज्म का विजिट करने के लिए जाएंगे, तो जब इसको आप विजिट करेंगे टाउन को, तो टाउन उस टाइम तक फुल हो चुका होगा, घर बन चुके होंगे, तो वहाँ पे इस टाइम 1 करोड़ 40 का प्लॉट होगा। ये मैक्सिमम आगे साल 2 साल की बात है। बिल्कुल, वहाँ पे जितनी स्पीड से काम हो रहा है मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे जैसे जितनी स्पीड से घर बन रहे हैं, तो ये आने वाले 1-2 साल के अंदर मुझे लगता है कम्प्लीट, ये कम्प्लीट हो चुका होगा। दानियाल, आप ये देखें कि यहाँ पे अभी आपको एक 5 मरले का ब्रांड न्यू घर जो है, ब्रांड न्यू आपको 1.50 का भी मिल रहा है, 175 का भी मिल रहा है। अगर आप डी ब्लॉक की बाउंड्री पे चले जाएं आपको 140 का भी मिल जाता है एक 5 मरले का घर, और यही 5 मरले का घर अगर ब्रांड न्यू आप चले जाएं फेज 5 के बी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, या फेज 6 के डी ब्लॉक में, तो यहाँ पे आपको कोई घर जो है 2 करोड़ 2.25 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। तो ये आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस है अभी यहाँ पे। तो बिल्कुल व्यूवर्स, जैसे कि नान साहब ने हमें बताया कि अगर आप लोग फेज 6 में 5 मरला लेना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप फेज 9 टाउन के अंदर मूव कर दें, और उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है और वहाँ पे आपको कम पैसों में अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। तो अगर आपने DHA फेज 6 में अपना प्लॉट सेल करके 9 टाउन के अंदर अगर आपने परचेजिंग करनी है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप ज़रूर रब्ता कर सकते हैं, या इसके अलावा किसी और फेज 7 में, 8 में, 9 प्रिज्म में भी अगर अपने प्लॉट की असेसमेंट चाह रहे हैं या अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हैं या वहाँ पे आप अपने प्लॉट को खरीदना चाह रहे हैं वहाँ पे कोई प्लॉट, तो आप एनी टाइम हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी जो है वो चीज़ें अच्छी ऑफर्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मिलेंगे हम आपको न्यू अपडेट्स के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।